अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलाम मुस्तफा विद माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन मिंचनाबाद। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं गांव में आया हूँ, जहाँ पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत माहौल है। यहाँ का फसलें हैं और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ से कभी दरिया सतलुज जो है उसका पानी भी यहाँ से गुजरता था। तो अब माशाल्लाह यहाँ पे सारी ज़मीनें जो हैं वो ज़रखेज़ हैं टोटली, और यहाँ के जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो चुके हैं। ये एरिया बहुत ही हरा भरा है। तो आइए आपको यहाँ का जो एरिया है इसकी कुछ जो है वो झलकियाँ आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चारा नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी फसलें यहाँ पे मौजूद हैं जी। आप देख सकते हैं कुछ मकानात भी इधर मौजूद हैं और लोग जो है वो अपने भैंसों के लिए चारे की कटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एक पेंडू भाई साहब बैठे हुए हैं। आप, मैं जूम करके अगर आपको दिखा सकूँ, ये देखें जी। तो ये भी अपना काम किए जा रहे हैं, चारा काट रहे हैं भैंसों के लिए। तो इसी तरह और भी काफ़ी लोग यहाँ पे जो है अपनी कामों में बिज़ी हैं। वैसे ही आज मैं यहाँ से इस गांव के करीब से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा चलें इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा विज़िट करें। तो बहुत ही प्यारा एरिया जी। अभी मज़ीद आपको कुछ छोटी छोटी झलकियाँ और भी इस गांव की जो है वो हम दिखाएँगे जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्यूबवेल है जी, है वो वापसी का रुख कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हल्के हल्के सीन आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क फसलों के अंदर से गुज़रती है, तो भाई यहाँ पे आने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ का सरूर, यहाँ की खुली फ़िज़ा और यहाँ की तरोताज़ा फ़िज़ा जो है वो आपको जो है यहाँ पे जो है वो रहने पे मजबूर कर देती है। तो यहाँ पे लोग अपने कामों में बिज़ी, जैसे मैंने कहा ये भाई सब कुछ जो है वो अपना चारा वगैरह उठा के जा रहे हैं। क्या बात है भाई। हाँ जी, तो ये भाई साहब जो है, और भी यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो फिर रहे हैं जो कि अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। तो बहुत ही अच्छे सीन हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस गांव का एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो ग्राउंड है। अब इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस खेल के लिए है, क्योंकि ये खिलाड़ियों के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या खेलना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है, फुटबॉल भी खेला जाता है, हॉकी भी खेली जाती है, शूर गेम यहाँ की जो कि वनजू है, और वनजू के लोग यहाँ पे जो है वो खेलते हैं। तो ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड है जी, बहुत ही प्यारा ग्राउंड है। यहाँ पे हर तरह की गेम जो है वो खेलते हैं लोग, यहाँ के रहने वाले लोग।